हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन लेकर टाइमली आपके पास में आते रहते हैं। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस पर कमेंट करते हैं और आपके कमेंट के आधार पर हम आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते रहते हैं। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए कि गुड़गांव से अगर आपको यूजी पीजी कोर्सेज करने हैं, यूजी पीजी कोर्सेज में अगर आपको 2023 में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक अपना ही फायदा होता है, बहुत ही रीजनेबल यूजी पीजी कोर्सेज होते हैं। अगर आपको नॉर्मली बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम या फिर एमएससी कोर्सेज करने हैं तो आप इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर फीस की बात करें तो ये कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज है, इनकी फीस बहुत ज्यादा रीजनेबल होती है। इनमें खर्चा आपका नॉर्मली 5 से 10 हजार रुपए सालाना के अंदर आपका कोर्स ऑलमोस्ट इसके अंदर निपट जाता है। कुछ अगर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बीबीए, बीसीए भी इन कॉलेजेस के अंदर स्टार्ट हुए हैं तो इनमें मैक्सिमम खर्चा आपका 12-15 हजार रुपए तक जा सकता है। पहले ये सभी कॉलेज अफिलेट हुआ करते थे एमडी रोहतक के द्वारा, लेकिन अब फिलहाल ये कॉलेज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के द्वारा अफिलेट है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से 3 टॉप कॉलेजेस हैं। माई फ्रेंड, सबसे पहले नंबर पर आता है द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि रेलवे रोड पर स्थित है। काफी पुराना है कॉलेज। अगर बात करें गुड़गांव के सबसे पुराने कॉलेज के अंदर, पहले ये एकमात्र ऐसा कॉलेज हुआ करता था जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन साथ में ले पाते थे। माय फ्रेंड्स, मैं खुद 2002 से लेके 2005 का पास आउट हूँ इस कॉलेज से। काफी अच्छा कॉलेज है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समय पर ये एकमात्र ऑप्शन हुआ करता था बॉयज के लिए कि अगर एडमिशन लेना है तो इसी में लेना है, नहीं लेना है तो भी इसी में लेना है। तो आज की डेट में भी ये कॉलेज काफी अच्छा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीनों कॉलेज के बारे में आपको बताकर मैं आपको बाद में इनका एडमिशन प्रोसेस भी बताऊंगा कि क्या रहता है इनका एडमिशन प्रोसेस। तो सेकंड नंबर पर जो कॉलेज आता है उसका नाम है गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर 14। माय फ्रेंड्स, कुछ ऐसी इमेजेस हैं इस कॉलेज की, काफी पुराना कॉलेज है, सेक्टर 14 में स्थित है ये कॉलेज। 1959 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। अब आप लगा सकते हैं कि कितना पुराना कॉलेज है। आज भी ये कॉलेज गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इस कॉलेज में बॉयज की एंट्री नहीं है, ओनली गर्ल्स इस कॉलेज में पढ़ाई करती हैं। माय फ्रेंड्स, काफी अच्छा कॉलेज है, जो भी स्टूडेंट्स रीजनेबल फीस में पढ़ाई करना चाहते हैं उन लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आज भी। माय फ्रेंड्स, इस समय गुरुग्राम में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ओपन हो चुकी हैं, जैसे एसजीडी यूनिवर्सिटी, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, स्टारेक्स यूनिवर्सिटी। तो माय फ्रेंड्स, अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर फीस स्ट्रक्चर काफी हाई है। सभी पेरेंट्स माय फ्रेंड्स इतना हाई फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत पुराने समय से स्टूडेंट्स इनमें पढ़ते हुए आ रहे हैं और जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है फिलहाल गुड़गांव की सबसे टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है माय फ्रेंड्स सेक्टर 9 गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। ये कॉलेज 2004 में स्थापित हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये काफी नया है, तो द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज और गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज से ये बेटर है। इस कॉलेज में भी स्टूडेंट्स यूजी पीजी कोर्सेज करवाए जाते हैं। कोर्स लिस्ट जो अपडेटेड रहेगी 2023 की वो अभी आई नहीं है, वो जल्दी ही डिक्लेयर कर दी जाएगी। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है इसका। अभी तक का 2022 तक का जो एडमिशन प्रोसेस था वो इसमें मेरिट के बेस पर था। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं इसके, आप अपने कॉलेजेस चूज करते हैं और मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेरिट लगाई जाती है, देन फिर लास्ट में ओपन काउंसलिंग की जाती है, इसके बेस पे इन कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। सभी अपडेट्स एडमिशन के रिगार्डिंग हम आपको टाइमली लेकर आते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।